नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको रनिंग स्टेमिना कैसे बढ़ाएं, इसके साथ ही आप अपने पूरे शरीर के स्टेमिना को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं इसके बारे में बताने वाले हैं। अगर आप एक एथलीट है या कोई खेल खेलते हैं जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेनिस, रेसलर, बॉक्सर या रनर है, या आप किसी सरकारी नौकरी की तैयारी में जुटे हुए हैं जैसे कि फौज, पुलिस, आर्मी या नेवी में, तो आपको अपने स्टेमिना को बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको फिजिकल टेस्ट देना होता है। अगर आप एक खिलाड़ी है तो आपको तो पता ही होगा कि खिलाड़ी की सबसे बड़ी धन दौलत और उसकी ताकत उसकी स्टेमिना ही होती है। अगर आपकी स्टेमिना ही सही नहीं होगी तो आपका खेलने का प्रदर्शन भी बहुत खराब हो जाएगा। तो आइए स्टेमिना बढ़ाने के उन तरीके के बारे में जानते हैं। सबसे पहले अपने शरीर की जांच करवाएं। अगर आपने अपने स्टेमिना को बढ़ाने का इरादा कर लिया है तो सबसे पहले आप अपने पूरे बॉडी का रिसर्च अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में करवाएं। इससे आपको यह पता लगाने में हेल्प मिलेगी कि आप चोट, थकान और दूसरे प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कितने फिट हैं। फेवरेट गेम खेलें। आपके पसंदीदा खेल आपके थकान को दूर और स्टेमिना को बढ़ाने के लिए अच्छे खेल है, क्योंकि एरोबिक व्यायाम का एक रूप है। फुटबॉल, बास्केटबॉल और दूसरे सभी तेजी से दौड़ने वाले खेल आपके हार्ट को मजबूत बनाने में हेल्प करेंगे, ताकि आपके शरीर के सभी पार्ट्स तक ऑक्सीजन अधिक से अधिक पहुंच सके। रनिंग धीरे धीरे शुरू करें। अगर आपने अभी अभी स्टेमिना बढ़ाना शुरू किया है तो शुरुआत में छोटे छोटे स्टेप्स लें, ना कि एकदम से बहुत अधिक तेजी से दौड़ लगाएं। इससे आपका शरीर जल्दी थकना शुरू हो जाएगा और आप अपने गोल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो तब तक धीरे धीरे दौड़ना शुरू करें जब तक कि आपकी बॉडी गर्म नहीं होती है। हार्ट एक्सरसाइज करें। जब तक हमारा हार्ट मजबूत नहीं होगा तब तक हम किसी भी गोल को पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम दौड़ते हैं तो हमारा दिल भी जल्दी जल्दी धड़कता है और कुछ देर बाद हमारा सांस फूलना शुरू हो जाता है। इसलिए अपने हृदय से संबंधित व्यायाम करें, जैसे एरोबिक्स, सीढ़ी चढ़ना और स्ट्रेचिंग को भी शामिल करें। इसके साथ ही आप योग भी कर सकते हैं। योग की कुछ मुद्राएं हैं जैसे ताड़ासन, सर्वांगासन, स्वास्तिकासन, शीर्षासन आदि करने से दिल मजबूत होता है। संतुलित आहार लें। आपको यह देखने की भी जरूरत है कि आप क्या खा रहे हैं। अधिक मात्रा में फ्रूट्स और सब्जियां, बिना चर्बी के मांस, बहुत कम वसा वाले प्रोडक्ट्स के साथ अच्छी तरह से संतुलित आहार शामिल करें। यह आपके शरीर को हेल्दी रहने में और आपकी शारीरिक और मानसिक दोनों की सहन शक्ति बढ़ाने में हेल्प करेंगे। पानी ज़्यादा पिए। फिक्स करें कि आप डिहाइड्रेशन और थकान को कम करने के लिए फिक्स पानी पिए। अगर आपके शरीर में पानी कम है तो यह आपके ब्लड को जमा देगा और इस तरह ब्लड प्रेशर धीमा हो जाएगा और आपके कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी कर देगा। बुरी आदतों से बचें। हम सभी में अच्छी आदतें और बुरी आदतें होती हैं, जिनके बारे में हम सब जानते हैं। बुरी आदतों में जैसे स्मोकिंग, शराब पीना, जंक फूड की लत, इन सब से दूर रहें। इन आदतों को मार कर ही आप फिट रह सकते हैं और अपने स्टेमिना को बढ़ा सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स खाएं। आहार में कार्बोहाइड्रेट से बने प्रोडक्ट खाएं, ताकि ये खाद्य पदार्थ आपके शरीर को स्टार्च और शर्करा प्रदान करें, जिससे आपकी मांसपेशियां सहन शक्ति को बढ़ावा देने के लिए ऊर्जा के रूप में उसे परिवर्तित कर सके। अपना रिकॉर्ड्स बनाएं। यह सबसे अच्छा होगा कि अपनी प्रगति के बारे में पता करने के लिए एक रिकॉर्ड बुक बनाएं। इससे आपको अपनी गोल से जुड़े रहने में हेल्प मिलेगी। आराम जरूरी। अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए आपको व्यायाम के अलावा आराम भी जरूरी है, इसलिए कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें। हेल्दी ब्रेकफास्ट लें। जई के भरे हुए कटोरे या पूरे गेहूं के टोस्ट और ओट्स जैसे हेल्दी ब्रेकफास्ट का चयन करके एक हेल्दी नाश्ते के साथ अपने दिन की शुरुआत करें, जिससे नियमित नाश्ते में मैग्नीशियम, मैंगनीज, क्रोमियम और तांबे जैसे कई इंपॉर्टेंट तत्व आपके शरीर को मिलेंगे। प्रोटीन जरूरी। हेल्दी बॉडी और रनिंग को फास्ट करने के लिए आपको जरूरी है कि आप अच्छे गुण वाले प्रोटीन खाना शुरू करें, क्योंकि इसमें हमारे शरीर के वर्क करने के लिए आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं। अपने भोजन में अंडे का सफ़ेद वाला भाग, कम वसा वाला दूध और दूध प्रोडक्ट्स, मछली और चिकन जैसे प्रोटीन युक्त पदार्थ शामिल करें। तो दोस्तों, इस तरह से आप
अपने रनिंग की स्टेमिना के साथ अपने पूरे बॉडी का स्टेमिना बढ़ा सकते हैं। इस तरह की और हेल्थ से संबंधित वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।